हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए हम कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर पावर सेयरिंग को। हमने अभी तक कुछ कॉम्पोजिशन देखा था, बेल्जियम का और श्रीलंका का। बेल्जियम का जो कुछ कॉम्पोजिशन था वो लैंग्वेज के बेस पे था, श्रीलंका का जो था वो लैंग्वेज पे के बेस पे भी था और रिलीजन के बेस पे भी था। अगर आपको ना समझ में आया हो तो फिर से एक बार वीडियो को देखें। फिर भी अगर अब देखो, आगे हम लोग को देखना है कि वो जो डाइवर्सिटी थी, जो विभिन्नता थी श्रीलंका में लैंग्वेज और रिलीजन के बेस पे, उसके चलते क्या हुआ श्रीलंका में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं पावर सेयरिंग। तो आइए, टॉपिक है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। सबसे पहले ये जो शब्द है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, मेजोरिटी से बना हुआ शब्द है मेजोरिटेरियनिज्म। देखो ये है क्या, एक ऐसा बिलीफ, एक ऐसा आइडियोलॉजी जिसमें जो मेजोरिटी में हो वो अपना आइडियोलॉजी, अपना बिलीफ दूसरे के ऊपर इम्पोज करे, थोपे, उसको कहते हैं मेजोरिटीज़म। यानी कि जो मेजोरिटी में हो उसी का डिसीजन सर्वमान्य हो, बाकी जो माइनॉरिटी में हो उनको नेगलेक्ट कर दिया जाए, इसी आइडियोलॉजी को कहते हैं मेजोरिटीज़म। देखो इसमें होता क्या है, श्रीलंका का जो केस है उसके स्टडी में है क्या कि श्रीलंका वॉन इंडिपेंडेंस 1948 में श्रीलंका आज़ाद होता है। लगभग हम लोग के साथ आज़ाद हुआ 1947 में, हम लोग आज़ाद हुए 1948 में, श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिलता है। और मेजोरिटी उसमें किसकी होती है, सिन्हाला स्पीकर की होती है। जैसा कि हम लोग पढ़ा था कि 74% थे सिन्हाला स्पीकर, तो जाहिर सी बात है सिन्हाला स्पीकर्स की वहाँ मेजोरिटी थी। ये सिन्हाला स्पीकर्स जो थे वहाँ पे, जो कि क्या थे, मैक्सिमम सिन्हाला स्पीकर्स क्या थे, बाय रिलीजन बुद्धिस्ट थे, वो बौद्ध थे, वो बुद्धिज्म को बुद्धिज्म उनका बिलीफ था, ऐसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो सिन्हाला 74% थे, जाहिर सी बात है कि उसमें लीडर भी होंगे, उन्हीं के संघर्षों से आज़ाद हुआ होगा श्रीलंका। पहले वहाँ भी ब्रिटिश रूल था, बताया था ना कि भाई सदर्न पार्ट जो था अपने तमिलनाडु जो है, वहाँ से मजदूर गए श्रीलंका, अंग्रेज ले गए, तो वहाँ भी तो उनका रास्ता तभी तो ले गए थे, रबर प्लांटेशन, टी प्लांटेशन वहाँ होती थी खेती। तो देखो 1948 में आज़ाद होते हैं सिन्हाला स्पीकर्स कम्युनिटी, जो क्या थी, मेजोरिटी में रहती है। जब वो आज़ाद होते थे उस सरकार में, मेजोरिटी में कौन होता है, सिन्हाला स्पीकर्स होते हैं। 74% की जनसंख्या थी, वही होंगे, जाहिर सी बात है, सेल्फ डोमिनेशन थ्रू मेजोरिटीनिज्म। वो क्या चाहते थे, सिन्हाला डोमिनेटेड स्टेट चाहते थे। सिन्हाला डोमिनेटेड स्टेट अगर हम समझें तो मतलब ये कह रहा है कि वो यह चाहते थे कि जो ये स्टेट, मतलब जो राज्य है, जो देश है श्रीलंका, वो क्या हो, मतलब कि सिन्हाला डोमिनेटेड हो। आगे देखेंगे कि कैसे, किसके थ्रू चाह रहे थे, मेजोरिटीनिज्म के थ्रू, मतलब वो मेजोरिटी में थे, है ना। और मेजोरिटीनिज्म का मतलब क्या होता है, मैं बताया, उसी के थ्रू, उसी के माध्यम से वो चाहते थे कि क्या हो, सिन्हाला डोमिनेटेड स्टेट हो, यानी डोमिनेशन थ्रू मेजोरिटीनिज्म। तो देखो इस मेजोरिटीनिज्म, ये डोमिनेशन, सिन्हाला डोमिनेशन बनाने के लिए वो क्या किए श्रीलंका में, स्टेट सिन्हाला सुपरमेसी को स्टेबल करने के लिए, स्थापित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, क्या क्या डिसीजन श्रीलंका की गवर्नमेंट ने लिया आजाद होने के बाद। तो इन 1956 में एक्ट वाज पास, एक कानून पारित किया गया टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। सिन्हाला स्पीकर, सिन्हाला जो लैंग्वेज था उसमें क्या किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया, क्या किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। अब आप कल्पना कीजिए कि जो संसद है, उस संसद में हमारे देश का जो संसद है वो क्या किया जाए कि मैक्सिमम मेंबर्स जो है वो साउथ इंडिया से जीत के आए, सपोज डेट कि मैक्सिमम वहाँ के जो है मेंबर्स वो साउथ इंडिया से अगर जीत के आते हैं, और वो क्या करते हैं कि
उठा लीजिए लैंग्वेज और उसको वो लोग क्या करें ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दें, अर्थात कि जितनी भी कागजी कार्रवाई होगी है ना, जितने ऑफिशियल वर्क होंगे, दफ्तरी जो काम काज होगा वो क्या होगा तेलुगु भाषा में होगा। तो बताइए आपके साथ ये भेदभाव होगा कि नहीं, आपको दिक्कत जाएगी उस लैंग्वेज को समझने में। तो सिन्हाला स्पीकर ने क्या किया, सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया था 1956 में एक्ट पारित करके, एक कानून पास कर दिया। उसके बाद क्या किया सिन्हाला और फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब्स, देखो क्या किया सिन्हाला स्पीकर जो थे है ना, उनको क्या क्या किया पक्षपात होने लगा यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में, विश्वविद्यालय के एडमिशन यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन वगैरह होता था तो वहाँ क्या किया जाता था कि फर्स्ट हैंड पे रखा जाता था है ना, अपर हैंड पे रखा जाता था किसको, सिन्हाला स्पीकर्स को। जो सिन्हाला स्पीकर्स थे वो क्या थे, सब अपर हैंड पे रहते थे, मतलब कि उनको प्रायोरिटी दी जाती थी, प्राथमिकता पहले उनको दी जाती थी। ठीक, सेम कंडीशन गवर्नमेंट जॉब में था, सरकारी नौकरियों में भी सिन्हाला स्पीकर्स को प्रायोरिटी दी जा रही, प्राथमिकता उनको दी जाने लगी। सोचो कि देश सबका हो और हमारा अपना सिर्फ इतना हो कि हम माइनॉरिटी में हो, हमारी संख्या कम है, इसकी वजह से हमको नेगलेक्ट किया जाए, सरकार हमारे साथ भेदभाव करे, ठीक है, तो क्या होगा कि दिक्कत पैदा करेगा वो देश में। उसके बाद क्या होगा, बुद्धिज्म जो कि रिलीजन है प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली, बुद्धिज्म को क्या किया गया, उस बुद्धिज्म का भी फेवर किया गया है ना, और उसको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाने लगा, इसके संवैधानिक संशोधन करके, संवैधानिक प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन प्रोवाइड करा करके उसमें पारित कर करके क्या किया गया, संविधान की तरफ से उसको स्पेशल प्रोटेक्शन किसको, बुद्धिज्म को देने जाए, अर्थात कि वहाँ जो क्रिश्चियन थे, वहाँ जो आपके हिंदू थे, तमिल हिंदू थे, वहाँ जो तमिल मुस्लिम थे, उनको क्या किया गया, उनके रिलीजन को सेकेंड स्टेट पर रख दिया गया, सेकेंड क्लास में रख दिया गया। तो आप एक बात को सोचिए, एक आपको मैं फ्रेश कर ले जाऊँगा, अपने देश को उदाहरण में देना चाहता हूँ कि 1947 में जब अपना देश आज़ाद हुआ, तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो आप जानते हैं कि उस समय मेजोरिटी जो थी वो रिलीजन के बीच पर हिंदू मेजोरिटी थी, हिंदू क्या थे ज़्यादा थे, हिंदू ज़्यादा थे, मुसलमान बहुत कम थे, मुस्लिम जो थे वो बहुत कम थे, इस्लाम को उनको मानने वाले लोग। तो उसमें क्या, अगर उस समय के लीडर चाहते तो हिंदू डोमिनेटेड स्टेट बना सकते, लेकिन हमारे यहाँ के लीडर्स जो थे, लीडर्स हिंदू ही थे लेकिन बहुत ही उदार व्यक्ति के थे और भविष्य की उनको चिंता थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इन दोनों से ऊपर उठ के उन्होंने एक सेकुलर स्टेट की कल्पना की और हमें एक सेकुलर स्टेट के रूप में इस भारत को दिया, ठीक है। तो लेकिन यहाँ क्या हुआ, बुद्धिज्म और फॉरवर्ड एंड गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में बुद्धिज्म को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाने लगा। अभी बताइए हमारे संविधान में क्या है, हमारे संविधान में है सेकुलरिज्म, इंडिया विल बी ए सेकुलर स्टेट, भारत एक सेकुलर राज्य होगा, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि अब सेकुलर राज्य का मतलब ये हुआ कि हमारे संविधान में किसी भी धर्म को स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है, ऑल रिलीजन इज इक्वल, सारे धर्म क्या है एक समान है। आगे देखो तो ये जो सारी चीज़ें हुई 1948 में सिन्हाला आज़ाद होता है, मेजोरिटी किसके लिए, सिन्हाला स्पीकर थी क्योंकि संख्या इनकी ज़्यादा थी, लीडर्स इन्हीं के ज़्यादा थे, इसकी वजह से वो क्या चाहते थे कि श्रीलंका जो है वो चाहते थे कि सिन्हाला डोमिनेशन को मेजोरिटीज़म के मेजोरिटी के माध्यम से सिन्हाला डोमिनेशन स्टेट बनाना चाहते थे। तो इसके लिए क्या क्या जो स्टेट लिए सिन्हाला सुप्रीमेसी को स्थापित करने के लिए 1956 में एक्ट पारित करते हैं है ना, जो क्या था उसमें सिन्हाला लैंग्वेज को क्या किया ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। और उसके बाद से यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट जॉब में भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन दाखिला में और गवर्नमेंट जॉब में भी क्या किया जाने लगा, सिन्हाला स्पीकर्स को प्राइवेट दी जाने लगी, प्राथमिकता दी जाने लगी, बुद्धिज्म जो रिलीजन था उसको संविधान के माध्यम से स्पेशल प्रोटेक्शन मिलने लगा, संविधान की तरफ से उसमें एलिमेंट करते थे, संविधान में कानून बनाने का अधिकार होता है सरकार को, सरकार कानून बना देती थी बुद्धिज्म के फेवर में, बाकी धर्मों को ध्यान नहीं देती थी। इन सारे
एंड क्या है तमीज के अंदर क्या है, कैसी भावना लगी, नेग्लेक्शन की भावना लगी, निराशा भावना, निराशा जान स्थिति को पैदा कर दिया। वो क्या हुआ कि देवर डिनाइड पॉलिटिकल राइट्स और उन्हें उनके राजनीतिक अधिकार से भी वंचित कर दिया गया एंड वर डिस्क्रिमिनेटेड और भेदभाव किया गया। जब हम बात करें कि देवर डिनाइड पॉलिटिकल राइट्स, उनको राजनीतिक अधिकार से वंचित कर दिया गया, तो राजनीतिक अधिकार हमारे क्या क्या है कि राजनीतिक अधिकार है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी में हमारा इन्वॉल्व होना, अर्थात हम वोट दें, चुनाव लड़ सके, चुनाव में कंटेस्ट कर सके, है ना, इन्वॉल्व हो सके सर, और सारी चीज़ें हैं। तो क्या बोलते पॉलिटिकल राइट्स भाई, जब आपको पॉलिटिकल राइट्स से जब आपको वंचित कर दिया जाएगा तो फिर सरकार में आपके लिए कोई पॉलिसी नहीं रहेगी, ठीक है, तो उनको पढ़कर ऐसा वंचित कर दिया और उनके साथ डिस्क्रिमिनेटेड और उन्हें भेदभाव उनके साथ किया गया। ड्यू टू ऑल दिस इन सारे कारण से, ड्यू टू ऑल दिस इन सभी कारणों से रिलेशन बिटवीन द मिस एंड सिन्हा गॉट स्ट्रेंड। क्या हो गया रिलेशन बिटवीन तमिल्स एंड सिन्हाला, सिन्हाला और तमिल्स के बीच का जो रिलेशन था, जो संबंध था, क्या हुआ, तनाव पैदा हो गया। क्या हुआ, तनाव पैदा हो गया जिसका परिणाम ये निकला कि तमिल्स लॉन्च स्ट्रगल्स अगेंस्ट, किसके, सिन्हाला के, तमिल्स जो थे वो लॉन्च कर दिए, ऐलान कर दिए, संघर्ष का ऐलान कर दिए सिन्हाला के अगेंस्ट, अपनी सरकार के अगेंस्ट, अपने देश के अगेंस्ट, डिमांडिंग क्या मांग करने लगे, इंडिपेंडेंट तमिल इलम, मतलब कि एक अलग स्वतंत्र राज्य, इलम जो था एक स्टेट एक राज्य था, उनका ऐसा मानना था कि हमारे एक अलग राज्य होगा, हमारी सरकार होगी, हमारा कानून होगा, हम अलग राज्य की मांग करते हैं, और इसके लिए वो संघर्ष चालू कर दिए। और कैसा संघर्ष, एक ऑर्डिनरी संघर्ष नहीं, हथियार कम संघर्ष चालू हुआ, हथियार के साथ संघर्ष चालू हुआ, मतलब कि खूनी संघर्ष होने लगा, एक दूसरे को मारने लगे, दंगा फसाद होने लगा, और क्या हुआ, विश्वास और ये जल भी क्या हो गया, एक गृह युद्ध में बदल गया, ये स्थिति जो थी असंतोष की वो क्या हो गई, ये स्ट्रगल जो था जो लॉन्च किया गया था वो जल्दी क्या होगा, सिविल वार, गृह युद्ध में बदल गया। गृह युद्ध जब होता है, आंतरिक गृह युद्ध का मतलब होता है कि अपने देश के अंदर ही अशांति पैदा हो जाए, देश के अंदर ही दो क्लास, दो ग्रुप आपस में क्या हो, फिर जाए काटना चाल, सारे जगह लॉ एंड ऑर्डर पूरा फेलियर साबित हो जाए, है ना, पूरा एकदम मतलब कि पुलिस, गवर्नमेंट, सारे चीफ मिलिट्री, सारे सारे जितने भी बॉडी हैं, इन सब से कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए सिचुएशन, सिविल वार हो जाता है। उसमें हुआ क्या कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज गए, और लगभग जो देखो जब वो दंगा फसाद होता है ना, जब डिस्टेंस होता है तो ऐसा नहीं कि केवल एक ही आदमी को हार्म होता है, एक आदमी को नुकसान नहीं होता है, दोनों तरफ से नुकसान होता है। अगर मान लो कि पाकिस्तान भारत के सामने बहुत छोटा देश है, उसके औकात बहुत कम है, लेकिन अगर दोनों में युद्ध हुआ तो क्या भारत के सैनिक नहीं मरते हैं क्या, आज भी मरते हैं, पहले भी जब जब युद्ध लड़ा गया तो भारत के सैनिक भले पाकिस्तान हारा है लेकिन मरे भारत के सैनिक हैं। तो क्या हुआ, भले ये 74% थे सिन्हाला, ठीक है, लेकिन जब क्या हुआ तो तमिल से मरे और सिन्हाला से मरे, दोनों तरफ से लोग मरे, है ना, तब हजार लोग दोनों तरफ से मर गए। तो देखो अब आप कल्पना कीजिए, हम बात कर रहे थे शुरू में कि पावर शेयरिंग है क्या, क्यों जरूरी है, इसी को आप हम उदाहरण देंगे। तो देखो डाइवर्सिटी थी, विभिन्नताएं थी बेल्जियम में लैंग्वेज के बेस पे, आपकी श्रीलंका में लैंग्वेज और रिलीजन के बेस पे, दोनों बेस पे क्या थी, डाइवर्सिटी थी यानी कि विभिन्नताएं थी। तो विभिन्नताएं जब थी तो उस सारे विभिन्नताओं को एकोमोडेट करने में ये लोग असफल रहे, ये नाना स्पीकर्स जो थे, जो सरकार बनाए आज़ादी के बाद 1948 के बाद, वो क्या की, वो डाइवर्सिटी को एकोमोडेट नहीं की, वो केवल प्रमोट किए किसको, सिन्हाला को, बुद्धिज्म को केवल प्रमोट करना चाहते थे, सब पर लागू करना चाहते थे, ठोकना चाहते थे,
ठप हो गए पूरी तरह से बंद है, तो अब किसी वजह से बंद है तो ठप पड़ेगा ही, तो इकोनॉमिकल कंडीशन बेकार होगा देश का, है ना। तो उसमें क्या हो, इस अच्छा ग्रोथ कर रहा था श्रीलंका, लेकिन क्या हुआ कि सिविल वार के चलते उनका इकोनॉमिकल ग्रोथ भी बहुत लो चला गया था। ठीक है, तो यहाँ डाइवर्सिटी थी रीजन के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, उस डाइवर्सिटी को जो गवर्नमेंट थी वो एकोमोडेट करने में असफल रही, असक्षम रही, तो उसके वजह से क्या हुआ कि जश्न चालू हुआ, ये सिविल वार हुआ। ठीक है, अगर सबको एकोमोडेट की होती, तमिल्स को भी इन्वॉल्व की होती, अपने गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व की होती, इनके लिए भी नीतियाँ लागू की होती, सबको एकोमोडेट की होती, तो ये स्थिति नहीं आती, है ना, या इनके लिए अलग राज्य बना लिए, है ना, और इनको अपना कानून अपना सब कुछ कुछ पावर शेयर की होती, वो पावर शेयर नहीं करना चाहते, है ना। तो इसका जब हम डाइवर्सिटी को एकोमोडेट नहीं कर रहे हैं तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो अब जब डाइवर्स कंट्री है, रिलीजन अलग है, लैंग्वेज अलग है, तो उस स्थिति में हमको पावर को शेयर करना चाहिए, सबको पावर देना चाहिए, है ना, सबको अधिकार देना चाहिए, है ना। अब जैसे कि एक एग्जांपल है, जैसे क्लास में है, क्लास में अगर कहा गया कि ऐसा है कि फुटबॉल खेलने वाले कितने लड़के हैं, तो मान लो कि 40 लड़के हाथ उठाते हैं, क्रिकेट खेलने वाले कितने लड़के हैं, तो 20 लड़के हाथ उठाते हैं। तो अब मेजोरिटी में कौन है, मेजोरिटी में जो 40 लोग हैं वही तो मेजोरिटी में है ना। तो अब ये कहा जाए कि नहीं, सारे लोग फुटबॉल खेलेंगे क्योंकि मेजोरिटी फुटबॉलर्स की ज्यादा है, तो बताओ जो क्रिकेट अच्छा खेलता है वो फुटबॉल कैसे खेल पाएगा। तो हमें क्या क्या पावर शेयर करना चाहिए, भाई जो क्रिकेट खेलना चाहता है वो क्रिकेट खेले, और जो फुटबॉल खेलना चाहता है वो क्या करे, फुटबॉल खेले। अगर हम ये थोपेंगे कि नहीं आपको भी फुटबॉल यूनिट आल्सो हैव टू प्ले, आपको भी खेलना पड़ेगा, भले आप चाहे आपको आ रहे या ना आ रहे आपको खेलना पड़ेगा, तो वो क्या वही स्थिति यहाँ की कि क्या हुआ था कि सिनावा लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया, है ना। बुद्धिज्म को स्पेशल प्रोटेक्शन संविधान के द्वारा दिया गया, भाई कौन था, यही लोग थे ना, यही लोग तो गवर्नमेंट थे, तो गवर्नमेंट थे तो राइट तो इन्हीं का था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का, तो ये स्पेशल प्रोटेक्शन दे देते बुद्धिज्म का, है ना। तो यही स्थिति थी, तो इसीलिए तो वहाँ क्या हुआ, फिर सिविल वार हुआ, फिर सिविल वार ठप हुआ, और मतलब वहाँ के लीडर्स को मानना पड़ा, तमिल बातों को मानना पड़ा, उनकी आवाज़ को सुनना पड़ा, फिर वहाँ कुछ अमेंडमेंट हुए, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डिसीजन लिया गया, है ना, कुछ निर्णय लिया गया, और वो गृह युद्ध जो था उसको समाप्त किया गया, उसको शांत किया गया। क्या क्या उसमें हुआ इसको आगे पढ़ा जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आप सारे लोग इसी कुछ टॉपिक को राइट आउट करते रहें, ठीक है ना, बुक्स को पूरा पढ़ें, वेरी कंपल्सरी है कि केवल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसको मैं बता दिया, वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, इसमें इंक्लूड हो गई, है ना। फिर भी आपको बुक को पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ के हमसे चर्चा भी कीजिए, कॉल कीजिए, अभी तक कॉल किसी का आ नहीं रहा है, अच्छी बात है, समझ में आ रहा हो तो नहीं आ रहा हो कॉल, लेकिन कॉल आना चाहिए, है ना, और आप कॉन्फ्रेंस करके कॉल करें तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चर्चाएँ होंगी, है ना, पढ़ाई फर्स्ट। तो ये सारी चीज़ें थी, ये कंडीशन थी, डाइवर्स कंट्री था, है ना, रिलीजन और लैंग्वेज के बेस पे। तो जब वो आज़ाद हुआ तो जो मेजोरिटी में था वो चाहता था सिनाला डोमिनेटेड स्टेट स्टेबल करने का, है ना, उसका परिणाम क्या क्या हुआ आपने देखा यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद अगले वीडियो में हम बेल्जियम का एक उदाहरण लेंगे, वहाँ क्या हुआ, वहाँ तो केवल लैंग्वेज बेस पे डाइवर्स था, है ना, एक डच स्पीकर थे और फ्रेंच स्पीकर, है ना, रिलीजन का कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं था, फिर भी वहाँ देखा जाएगा उस केस स्टडी में कि वहाँ की स्थिति क्या रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, और आप लोग कॉल कीजिए, अच्छे से पढ़िए, और बुक्स सामने खोल के तब इस चीज़ को पढ़िए, बुक्स को पहले खोलिए, बुक्स को एक बार पढ़ लीजिए तब पढ़िए, मतलब जैसे कर लीजिए, बुक्स बहुत जरूरी है। ठीक है, बाय।